भगवान तो हटा नहीं, पर इसके आधार अलग अलग करके जितने भी वृक्ष थे ये सब चूर चूर होते गिरने लगे, छटपटा रही थी भगवान की लीला शक्ति का खेल। वो छह कोस लंबा उद्यान था कंस का, उस उद्यान में बड़े सुंदर सुंदर फलों वाले बड़े बड़े वृक्ष थे, बढ़िया बढ़िया आम और बढ़िया बढ़िया चीजें होती थी, पर बगीचा कंस का था ना, बगीचा रहा कंस का, तो उसकी उसके वृक्ष का कोई भी फल देवता के भगवान काम नहीं आते। तो वो मानो देखे फिर सारे ही निष्फल थे, उन वृक्षों में भी आखिरी भाव आ गया था। भगवान ने सोचा कि उनका फल कभी कंस के मरने के बाद कोई खाएगा तो असुर हो जाएगा, वो भी असुर भावासन जहाँ आसुर लीला होती है और जो कि असुरों के काम में आती है उसमें आसुर भाव आ जाता है। ये आजकल वाले जो मानते हैं, जो थॉट पावर मानते हैं विचार शक्ति को, वो मानते हैं कि विचारों का प्रभाव जड़ वस्तुओं पर भी होता। तो यहाँ पर इस कंस के बगीचे में या तो होती आसुर लीला या असुरों के काम में आते। तो ये टीकाकार देखते हैं कि भाई ये बच्चों के भी जमीन के भी फलों पुष्पों के भी सौभाग्य दुर्भाग्य हुआ करते हैं, इनके भी पुण्य पाप हुआ करते हैं। किसी किसी वृक्ष के फल, उसके पत्ते, उसके फूल भगवान की सेवा में आते, उसकी छाया में भगवत भक्त लोग बैठ के विश्राम करते, उसके नीचे भगवान की कथा होती है, चर्चा होती है, उसका काश भगवान के मंदिरों में जाकर के किवाड़ बनता है। एक ही कर इतना भाग्यशाली होता है जो भगवो भगवान का सिंहासन बनता है। किसी किसी काश के द्वारा भगवान का नैवेद्य काक बनता है जल का, तो वो बड़ी बड़े भाग्य की चीज है। और कई वृक्ष ऐसे भाग्यहीन होते हैं कि उनकी उनकी सब चीजों का उपयोग भोगियों के काम में आता है। इनका कोई झूला बनता है, व्यवसायों का झूला बनता है, विलासी लोगों की सामग्री बनती है, दैर्मिक जीव जो है भोजा शक्ति उन्हीं के काम में वो शक्ति जो आती है। तो केवल मनुष्य ही नहीं, जो भी स्वर्ग लोकेश्मन दैव आसुर विष्णु भक्ति करो दैव आसुर शब्द कर गया है। जो प्रकार की सृष्टि है जिसका संबंध भगवान से, वो तो वस्तु दैव वस्तु दैवी वस्तु, चाहे वो आदमी हो प्राणी हो चाहे कोई जीव जंतु हो और चाहे कोई वृक्ष लता पहाड़ पेड़ मकान घर जमीन तालाब हो, जो भगवान के काम में आवे, जिसका संबंध भगवान से हो जाए वो तो दैव, और जिसका संबंध असुर से हो जाए वो आसुर। इसलिए ये जो बगीचा रहा ये आसुर भावा तन्न बगीचा था, इसमें सारी चीजें जो थी ये आसुर की थी। इसमें आने वाले का असुर भाव हो जाए, इस बगीचे में प्रवेश करे तो करते ही मन में आसुरी भाव पैदा हो, तो इसलिए भगवान ने सोचा इसका तो नाश ही कर देना ठीक है। पर नाश करने के साथ साथ एक बात उनके मन में हो रही, तो भगवान नाश करके उद्धार करते हैं कि बगीचे में जो वृक्षादि में जीव हैं, जो भी वृक्ष बने हुए हैं, तो उनको आज क्या होगा। ये भगवान ने क्या किया, जरा सा अपने चरणों को लंबा करके पूछना के बदन के थोड़ा नीचे नीचे झुका दिया, तो कहा कि हमारे चरणों का स्पर्श हो जाएगा। तो भगवान पूछना की छाती पर खेल रहे थे ना, तो पूछना के स्पर्श के साथ साथ उन बच्चों को स्पर्श प्राप्त हो गया, नंदनंदन बन गया। ये नील मणि था तो गोकुल के पास का छत उसका उद्यान ध्वंस हो गया, इसमें जो पहरेदार थे वो भी सब ध्वंस हो गए, और ये फिर इनको ध्वंस करके और भगवान इनका उद्धार कर दिया।
ये सारे उद्यान को उपस्थित हो गए। भगवान की लीला शक्ति से ये काम हुआ पूछना के द्वारा, ये फिर के द्वारा फिर आ गए। अब वो पूछना आगे बढ़ू तो जहां पर मैदान था कोई प्राणी नहीं, भगवान ने योजना की किसी भी प्राणी की मृत्यु न हो जाए, उसको तो वहां जाकर के और पूछना का शरीर उत्तान भाव से कर गया, सीधा कर गया, कोई जीव जंतु की हत्या नहीं, कोई नहीं मरा। मैदान में जाकर जब पूछना का ये सब जरा, भगवान तो वहीं बैठे अपना खेल रहे, बक्से स्थल पर बैठे खेल रहे। इधर उन गोपियों की दशा जहां वे उड़ी और जहां वे तूफान सा चला, यशोदा मैया और रेणु तो मूर्ख देवी देर पड़ी वहीं पर, वो कभी मूर्खा नहीं थी। और गोपियां बड़ी बुरी दौड़ी, मनाली कहां की शक्ति उनमें आ गई, ये तो उड़ी ऊपर से और वो दौड़ी नीचे से, श्री कृष्ण को ले गई, पूछना कृष्ण को ले गई, ये न मालूम कौन थी, श्री कृष्ण को ले गई। दशा से उन लोगों के मन में बड़ी पीड़ा हुई, अपने आप को भूल गई, मरना है तो जीना इनको याद नहीं रहा, और ये पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पूछना गुरु और पूछना का गुरु जो था बड़ा भयानक, हल्के समान उसके दांत, और पूछा ये कहीं पर इसका एक अंडे भी गिर जाए तो सुना चूर्ण हो जाए, इसकी बड़ी बड़ी नासिकाएं, इनके दोनों स्तन मानो ऐसे मानो पहाड़ हो, इसकी नासिका की बाई से और बड़े बड़े जीव आकर के घुल जाए ये बाई खींचे तो नाग में कोई ना कोई जानवर आ पड़े और बालू निकले के फिर बाहर जाके गिर पड़े। इस प्रकार की उसकी नासिका थी, अब तो वायु बन गई हो गई, और उसकी दोनों आंखें जो थी वो मानो अग्नि के कुंड हूं, और इतनी समुद्र और मान और बसी हुई इतनी कि मानो वो अंधा कुआ हो। तो ये भगवान के बालक होकर के भी विश्वपालक अनंत ऐश्वर्यवान पूतना के समूह को दोनों हाथ से पकड़ कर वो पूछ रहे थे, तो जिन स्तनों का आघात लगने से करोड़ों करोड़ों बालकों का देह कुचल जा सकता था, उन पर ये खेलते रहे, लेकिन उनका कुछ भी बिगड़ा बिगड़ाया नहीं, वो उत्तान होकर के गिर पड़ा उसका देह और भगवान वहीं पर खेल रहे, ऐसे खेल रहे मानो कोई तालाब हो और तालाब का जल सूख गया हो और उसके अंदर बड़ी भारी बड़ा भारी खड्डा हो, तो इस प्रकार से पूतना का देह पड़ा हुआ, हाथ पर उसके फैले हुए और भगवान जो है उसके लक्ष्य स्थल पर खेल रहे। तो उधर से वो गोपियां दौड़ी तक दौड़ करके ये पूतना जो ही पहुंची यहां पर तुम वे आ पहुंची, आकर के उन्होंने देखा पत्मानो कितूतम तरद्रमान पूर्णयामा सुराजेन्द्र महादास तदूतम। पूतना के शिविर में गिरते गिरते भी सकोष के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला, बड़ी भयानक अद्भुत घटा हुई घटना हुई। ईसा ईसा मातु विश्वासम गुरु चंद्रमासिकम दंडशेलिष्ट नम्रोद्रम सकीर्णाजम। बड़ा भयानक इनका इसका शरीर का ये वर्णन हो चुका। अंधकूप गभीराक्षम सुनारो भूषणम बदसेतु लगो वंद्र के सुन तो ये रोदरम। इसकी आंखें गोपियों के समान गहरी थी, नितंब इसके पैर की तरह से भयानक थे, भुजाएं जांघें पैर ये नदी के पुल के समान
और सूखे हुए सरोवर की मांझ जान पड़ते थे। सूचना के इस शरीर को देख कर जो ग्वाल बाल और गोपियां जो भागी हुई आई संतुष्ट गोपा गोप्य कलेवर गोवं पहले से जो सुल्लास सुनी थी बड़ी जोर की चीतकार उसे सुनकर के उनके हृदय प्राण और चित्त पहले से फट रहे थे। अब उन्होंने देखा इस रूप में तो आज ही डरे बालंत तस्वी हिरंत मकुटो भयम गोप्य सूर्मन संसद्य जगृजाज संभ्रमा। तो गोपियों ने देखा दौड़ी हुई जो आई कि श्री कृष्ण बालक तो खेल रहा है, जरा सा कोई इस पर कोई आघात भी लगा मैं मानव की जैसा वहां खेल रहा था वैसे ही मजे में खेल रहा मेरे भाई अकुतो भय कहीं भय का नाम निशान नहीं। तो पूतना के दक्ष स्थल पर खेलते हुए भगवान मानो मन ही मन ये सोच रहे थे जीविका दत्त स्वया सच माननीय मम मया चीते मृतया किम वा नमाग स्वयं कथान। मेरे भाई पूछना बता मेरा क्या दोष है, मैं तो दूध हुआ बच्चा हूँ दूध पीने वाला बच्चा हूँ यही स्तनपान मेरी जीविका है किसी पर जीता हूँ मैं और तुम मेरे पास खाने पीने को आता नहीं और तुमने स्वयं मेरे मुंह में अपना स्तन दे दिया। मैंने तो लिया नहीं और मैंने स्तन पी लिया। मैं दूध हुआ बच्चा दूध पी करके जीने वाला तुमने मेरे मुंह में स्तन दिया मैंने दूध पिया। अब बताओ अब तू दूध पीने से मर गई तो मेरा क्या अपराध है। इस प्रकार भगवान मानो कह रहे थे और भगवान को वरदान की बात याद रही वो रत्न रत्नमाला रत्नावली बारी वाली बात बलि की पुत्री रही। तो भगवान ने उसका दूध भी पिया और हलाल भी किया और उसका उद्धार भी किया। तो गोपियों ने देखा कि मेरे वो खेल रहे हैं तो गोपियां पहुंची थी उन्होंने आकर जो खेल रहा है तो बोले इसको तुम उठाओ पहले जिंदा और खेल रहा है। तो गोपियों ने लपक के उसको उठा लिया गोदिन लोगों के हो गए कहीं लगे नहीं तो सिर पर हाथ फेरा और यूँ देखा ये बड़े मजे हंस रहा है वैसा का वैसा रुष्ट पुष्ट ये है जिनको छवि का अच्छा लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। वहां क्या दशा थी वहां रोहिणी मैया और यशोदा मैया तो पड़ी थी बेहोश उनके गोद में ले जाता है। तो रक्षण के घोड़े सम्यग्गो पुष्प भ्रमणा भूमि यशोदा रोहिणी ध्यान का समन बालक संवृत पर बता रक्षण के घोड़े सम्यग्गो पुष्प भ्रमणा भूमि वो मुक्त में स्नाप युक्त पुनः घोर विशारभकम रक्षण चक्रुष्ट नाम ये गोपियां दौड़ी लेकर के अब इनको थकावट वकावट नहीं है सारी थकावट मिट गई कृष्ण मिल गए जिंदे मिल गए कुछ हुआ नहीं इनका बड़ी प्रसन्नता मारे प्रसन्नता से ये लोग वहां से दौड़ी तो यशोदा रोहिणी के पास आ गई। अरे मेरा इंसान सुंदर को ले देख तो यशोदा मैया देख रोहिणी देख आंख खुल गई अरे आ गया आंख खुल गई। अब मैया ने देखा गोपियों से कहा बोले भाई पहले काम करो मालूम कौन राक्षस का क्या था अब बच्चे की रक्षा का पहले उपाय करो पीछे दूसरा। तो सारे तो गाय को लाए बोले सब गाय को लाए उसकी पूंछ घुमाओ पहले तो गाय के नीचे ले जा करके भगवान के सारे अंगों पर गाय की पूंछ फिराओ पूंछ घुमाओ गाय की पूंछ से रक्षा और फिर ये भगवान फिर ये बोले अब क्या बोले स्नान कराओ गोमूत्र से और कोई उपाय नहीं रक्षा का तो गोमूत्र से स्नान कराओ। फिर बोले अब क्या लगाओ ये पाउडर वाउडर नहीं तो साबुन से नहीं धोया उनको ये सब अब अपवित्र चीजें हैं गोमूत्र से स्नान कराया और फिर ली गौरव गायों के चलने की धूल जो रही वो लेकर के सारे अंगों में लगाई
और फिर गोबर लेकर के भगवान का नाम ले लेकर के अंगों की रक्षा करने लगी। भगवान के 24 नामों से भी अंगों की रक्षा होती है, तो भगवान का नाम लेकर के दो भेद होते हैं, 24 करते हैं 12 करते हैं, भगवान कोई 12 अंग से करते हैं, कोई 24 अंग करते हैं, कोई दो दो नाम साथ लेते हैं, कोई एक नाम लेते हैं। अंगों में गोबर लगाई, गोबर लगाया और भगवान केशव आदि का नाम लेकर के अंगों की रक्षा के अंग न्यास किया, करण न्यास किया, गोमूत्रेण प्रापयित्वा पुनर्गोर्ग सारभकम रक्षा चक्रुष्ट सत्सकृता ध्वज सांगे सुनाम भी गोप्य संस्कृत सलिला अंगेशु करयो पृथक निश्चात्मन्य बाल से बीजन आसम करवत। इसके बाद गोपियों ने आसमन करके अजाज भगवान के 11 नामों से बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास कर्म न्यास किया, फिर बालक के अंग बीज न्यास किया, पहले अपने अंग सुरक्षित हो तबने किसी अंग रक्षा करे। ये कहने लगी अव्याध जोंघ्री मणिमा सब जान व थोरु यज्ञो चक्रपतम जठरम हयास्य सुक्ति स्वस्थ दुरहीसम इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुख निरुक्रमईश्वरकम चक्रद्रुपस्तु सह गदो हरिवस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वे पार्श्वयो रणधनवसी मधुभाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपरीतेन्द्र कारक्षर चतुहर भरस्पुरुष समन्तात् इंद्रियां ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु एक दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। ये कवच है कृष्ण गर्भस्थिते बुद्धिमात्मानं भगवान पर क्रीडंतं पातु गोविंद सयानं पातु माधव भजंत मद्याज वैकुंठ आसीनं त्वां प्रियपति भुंजानं यज्ञ भुक पातु सर्वग्रह भयंकर जाचिन्नो याति धान्यश्च कूष्मांडा युर्भक ग्रहाः भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकाः कोचरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दयः उन्मादा ये यपस्मारा देह प्राण इंद्रिय द्रुह स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहास्त ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर नाम ग्रहण धीरवाः। बालक पर विपत्ति आ जाए तो विपत्ति नाश का ये उपाय था, पहले विपत्ति नाश का ये उपाय, सारे उपद्रवों के नाश का ये उपाय। तो गोपियां यशोदा मैया ये सब शास्त्रों को जानने वाली तो वे कहने लगी, अंगों रक्षा करने लगी, अजन्मा भगवान है, अब ये इस बच्चे के पैरों की रक्षा कर, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत भगवान कमर की, हयग्री श्याम के पेट की, केशव हृदय की, ईश बक्षस्थल की, सूर्य गले की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर उड़ के रक्षा करें। ये सारे अंगों का किया। अब दिशाएं वो कहते हैं कि चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे आगे रहें, गदाधर श्रीहरि पीछे रहें, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन ये दोनों दोनों बगल में रहें, शंखधारी उरुगाय भगवान चारों कोनों में रहें, उपेंद्र ऊपर, खड़गर पृथ्वी पर और परम पुरुष भगवान तो ये सब और रक्षा करें। इसी के भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करें, एक दीप के अधिपति भगवान शुक्र की रक्षा करें, योगेश्वर मन को बचाने, कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की रक्षा करें और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें, खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय वैकुंठ बचाएं, बैठते समय भगवान श्रीपति तुम्हारी रक्षा करें, भोजन के समय सारे ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान रक्षा करें, दाचिनी राक्षसी कूष्मांडा आदि बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस
विनायक कोठरा रेवती पूछना ज्येष्ठा ये जितनी मातृकाएं हैं और शरीर प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले ये उन्माद उन्माद राक्षस होता पागलपन अपस्मार मृगी रोग ये जितने रोग हैं इन सब रोगों में और स्वप्न में देखे हुए जो महान उत्पात वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह ये सारे के सारे भगवान विष्णु के नामोच्चारण करने से सबके सब भयभीत होकर के नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से भगवान के नाम ले लेकर बालक के अंगों की उसकी दिशाओं की उसके सारे समय की उसके सारे के सारे कार्यों की रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इति प्रणबद्धाधर गोपी भूत रक्षण पायुत्वा स्तनम माता सन्निवेशात्मज। अब तक मैया ने बोबा नहीं दिया, कल नहीं पिलाया, रक्षा हो जाए उसके बाद पिलावे ना। तो इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बांध कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। अब यशोदा मैया ने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर धीरे से पालने पर खुला दिया, थक गया होगा। अरे इतनी देर तो राक्षसी के वक्ष स्थल पर रहा और ये नारायण ने बचा दिया, नारायण ने बचा दिया बच्चे को, नहीं तो बच्चा तो रही आज तो खुला दिया। उधर तो ये हुआ, उधर नंद बाबा जो है पाव नंदा जय गोपा मथुराया ब्रजंगता जलोक्य पूतना जो हम बभूर त्रिविस्मता। नंद बाबा उसी समय गोकुल से वो मथुरा से गोकुल पहुंचे, इन्होंने दूर से आवाज से सुनी थी, आवाज सुनी कभी उन्होंने देखा, बोले भाई बस दो सच बोलने वाला है, किसी कुछ उत्पाद जरूर हुआ है, उत्पाद जरूर हुआ है। तो ये पूतना के भयंकर सिंह को देखा, उपनंदा जी सब खड़े थे, ये सब आ गए तो किसी तो लौट गए ना आराम से। अब सारे गोपुर सारे ग्वाल सारे उपनंदा जी सब प्रसन्न है, खड़े अब तो सोच रहे हैं इस पूतना के देह को जलाने कैसे, बड़ा भर इतना लंबा चौड़ा दे कहीं आग लगा दी तो कितनी लकड़ी कहाँ से लावे इतनी और इतना लंबा देह कितनी दूर में जलावे इसको। तो वो सब सोच रहे थे तो इधर वसुदेव जी महाराज विचार कर रहे थे, पास आ गए कि भाई ये वसुदेव जो है ना ये मालूम होता है कि ये कोई देवता है। नूनम बतर्थ समझा तो योगेशो वा समासत है कई वह दृष्टो झुकता तो यदाधान का दंड होगी। कहने लगे आपस में बड़े आश्चर्य की बात है कि वसुदेव के रूप में किसी योगेश्वर ने किसी ऋषि ने ही जन्म लिया है और संभव है कि ये पहले कोई योगेश्वर रहा, योगभ्रष्ट को ही आ गया हो। ये वसुदेव योगेश्वर मालूम होता है क्योंकि उसने पहले कह दिया था इसको दूस बड़ा उत्पाद हो रहा है, यहाँ उत्पात हो रहा। ब्रजवासी ने सोचा कि अब क्या करें उसको जलाने के, नंद बाबा से दूर से बात कर रहे करके उन्होंने सोचा क्या क्या करें इतने बड़े शरीर को अब जलाएं कैसे। तो बोले एक काम करो इसके टुकड़े कर करके थोड़े ढेर लगा दो और चारों तरफ खाने रख दो गोबर के और एक पहाड़ता कर दो उसमें आग लगा दो थोड़ी दूर में, ऊंचा होगा क्योंकि आकाश बड़ा ऊंचा है, ये फैल जाए यहीं दूर तक, नहीं तो गांव तक को ले लेगा इतना बड़ा शरीर उसका, तो ये ठीक नहीं। तो उसको उन्होंने कहा एक काम करो कलेवरम परशुभिक्षित्वा तत्ते ब्रलोक से दूरे छित्वा दूरे छित्वा वसो यदहम काशी निकटम। ये सोच करके उन लोगों ने ब्रजवासियों ने कहा ठीक यही करो। तो सब कुल्हाड़ी ले आए, अब बजने कितनी कुल्हाड़ियाँ थी जितनी जने हजारों कुल्हाड़ियाँ लेकर के सब गोप पहुँचे और पूछना सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर दिया काट काट करके और काट करके जब अब वो टुकड़े को उठाने में कहा नहीं तो उठे कैसे, उठाओ उठा के टुकड़ों को दूर गोकुल से ले गए, दूर ले जा करके रख करके चाहो कर लकड़ियाँ लगा दी और लकड़ियाँ लगा के उसमें आग लगा गोबर के खाने लगा दी।
अब महाराज बड़ी विचित्र बात वहां पर एक और हुई। गयमानस्य देहस्य धूमस्य गुरु सौरभः उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हतपात पात्मणः। शरीर जलने लगा, धुआं निकला। अब धुएं में से अगर किसी दिव्य सुगंध फैल गई चारों तरफ, नंद बाबा अगर दूर से आ रहे बोले ये यज्ञ कहाँ से होने लगा और ये तो दिव्य गंध है, ये बात क्या हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भाई क्या बात हुई, तुम लोग बताओ समझो, इसका दूध किसने पिया था? भगवान ने जिसके शरीर पर इतनी देर तक अपने आप को आसन बना के और शरीर को रखा और अपने उस पर बैठ रहे, जिसके शरीर को भगवान ने अपना आसन बना लिया और जिसके दूध को भगवान ने पिया, भगवान का स्पर्श भी इसके सारे पाप नष्ट हुए और पूतना के पाप ही नष्ट नहीं हुए, पूतना में तो भगवान का भाव आ गया, पूतना के अंदर भगवान ने प्रवेश कर लिया, तो भगवान की अंग गंध जो थी वो सारी पूतना के अंग में समा गई। इसलिए ये पूतना जो है ये परम भाग्यवती सुगंधवती हो गई, उसके रोम रोम से सुगंधी निकलने लगी, तो धुआं सुगंध से भर गया, चारों तरफ धुएं की सुगंधी फैल गई। पूतना बाल लोक बालक ने रथ से रिझरा था, जिघान सयाति हरई सनम दत्वा कदगतिम। पूतना जाति पूतना एक राक्षसी, फिर ये लोक बालक ने लोगों के बच्चों को मार डालना और खून पीना ये उसका काम, और भगवान को भी वो अकस्मात में इच्छा से मारने के लिए आई थी, तन पे लाया, फिर भी भगवान ने उसको वो परम गति दी जो सत्पुरुषों को प्राप्त होती है। अति श्लोक की व्याख्या सरकार और ये सिंधु अनत रही तो भासिन नंद भवन भरपूरी उमज चली, नंद भवन भरपूरी उमज चली, ब्रज की फिरती बही गलियों में शोभा की नदी बहने लगी, ए ब्रज की फिरती बही भासिंधु देखी जाय आज गो गो कुल में, देखी जाय आज गो कुल में, घर घर बेचत फिरत दही, घर घर बेचत फिरत दही।
لگتا ہو بنا بنا بہت بھی ایک تن مکھ تے سہن بہی کال جی کہو بنا آئے بہت بھی کا تن مکھ سے سہن بہی جسمتی ادر آزاد ادھتے جسمتی ادر آزاد ادھتے اپجی ایسی سمن کہیں اپجی ایسی سمن کہیں سورداس پربھو برج بنتا اُرلائے گُہیری سوبھا سندھ نہ انت رہی سوبھا तमाम लोक बालक राक्षसी रुझिर आसना जिघांतया पिहरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम किं पुनः श्रद्धया भक्तिया कृष्णाय परमात्मा यच्छन् प्रियतमं किं रक्तास्तन मातरो तथा यथा पद्मां भक्तिष्ठाभ्यां वंद्याभ्यां लोकवंदितं अंगं यस्या समात्रं भगवान् तिलत्तम यापधानि दिशा स्वर्ग नवाप दंगतुं कृष्ण भक्तस्तन क्षीरः किं गावेन मातरः पयां सियासा पिवत् पुत्र स्नेहस्मितामूलं भगवान देवकी पुत्र कैवल्या दखिल प्रदह कासा नगुरतं कृष्ण कुर्वती यमान सुतेक्षण मतन कल्पति रागं संसारो ज्ञान संभव कटभूमस्य सौरभ्य नवग्राह बजुकस किंगं कुतहु येति वजन वजन वजनाय तीर्थत्वरमितं दीपं पूर्णागमनादिकं श्रुत्वात् निधनं स्वस्ति शिशोश्चाकं सुविस्मताः मूढसुपुत्रनादाय प्रीत्यागतमुदारहिः मूढमुपाध्यग्राहपरमा मुदं लेभे कूद्वः य एतत् पूतमामोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं श्रूयाश्रद्धया मृत्यु नूतना
के शरीर का खंड खंड करके जला दिया गोपो ने और उसके पिता के धूम रसे धुएं से दिव्य सुगंधि फैल गई। अब सुखदेव जी महाराज भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। भगवान के साथ किसी प्रकार भी संपर्क हो जाए किसी का भी, तो उसको परम लाभ होता है, इसका वर्णन करते हैं। तो कहते हैं इतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिर आसना, भाई कोई जात से अच्छा हो, कुल से अच्छा हो, आचरण अच्छे हो, खान पान अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, तो इनको लेकर के किसी की भलाई होना संभव है। तो पूतना के लिए कहते हैं कि पूतना में तो सभी बातें बिगड़ी। कहते हैं कि भाई पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना, पूतना का कुल, पूतना का आचरण, पूतना का भोजन, ये सभी ऐसा जो किसी प्रकार से भी शुभ नहीं कहा जा सकता। भाई बाणासुर को जब भगवान मारने लगे तो भगवान को याद आ गई प्रह्लाद वाली बात, तो उन्होंने कहा प्रह्लादाय भरो दत्त न गभ्यो मे तवान्वया, भाई तुम्हारे वंश में जो जन्म ग्रहण करेगा उसको हम मारेंगे नहीं। तो अच्छे कुल के कारण से बाणासुर बच गया। तो इसका तो कुल राक्षस कुल, परंपरा से इनके इसके कुल में पूतना इत्यादि जो ये राक्षसियां हैं इनके कुल में तो परंपरा से ही कोई अच्छा पैदा हुआ ही नहीं। और बोले भाई कुल किसी का खराब भी हो और यदि वो अच्छा काम करे तो अच्छा हो सकता है। चंदा एक विद श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण, भगवान की भक्ति किसी में हो जाए और वो कुल से जात से चांडाल भी हो तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसका काम अच्छा, आचरण अच्छा। और ये तो लोक बालक नहीं, बिना किसी प्रकार का अपना पराया देखे बच्चों की हत्या करना, बच्चों का खून करना, ये इसका आचरण, यही इसका काम। इसका संसार में घूमना रहना केवल बच्चों को मारने के लिए ही, ये इसके महान दुष्ट आचरण। बोले भाई अच्छा खान पान करे, सात्विक तो उसकी बुद्धि सात्विक हो, तो कहीं उसमें सात्विकता अन्न से भी आ जाए, रुधिराशन। खून ही खाना पीना इसका काम, बच्चों को मारे और खून पी रहे। इस पर टीकाकार लिखते हैं कि लोग इस बात को प्राय भूल जाते हैं कि अन्न का असर होता है। ये जिस प्रकार का अन्न भोजन होता है, जिस प्रकार की चीज हम खाते हैं, उसी प्रकार की हमारी बुद्धि बनती है। तो खान पान में सात्विक वस्तुओं का ग्रहण करना और तामसिक का त्याग करना ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि खाई हुई चीज से ही रक्त मांस मेद मज्जा इत्यादि बनते हैं। तो बहिर्मुख जीव जो होते हैं वे लोग खान पान में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते, जो मन में आता है सो खा लेते।
तो सात्विक भोजन करे और वो भोजन भी करे भगवान के भोग लगाकर। भगवान का जो नैवेद्य भक्षण है ये बड़ा पुण्य का कार्य है। अग्निष्टुम सहस्त्रेष्टु वाजपेय शतैरपि तत्फलम प्राप्य थे नूनम विष्णु नैवेद्य भक्षणात्। कहते हैं कि हजारों हजारों अग्निष्टोम सैकड़ों सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो भगवान का नैवेद्य प्रसाद लेने से मिलता है। तो भगवान के प्रसाद लेकर भगवान का भक्ति भोग लगाकर भगवान का प्रसाद रूप में सात्विक अन्न खाए तो उसका उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। पर इसके तो पूतना के जीवन में तो सिवा मनुष्य का खून पीना, इसके सिवा दूसरा भोजन इसका नहीं। तो रुद्राशना पूतना लोक बालक नहीं राक्षसी रुद्राशना जात से राक्षस पूतना इनका इनकी जाति बालकों के का खून करना इनका काम और रुधिर पीना इनका भोजन। तो ऐसे ऐसी जो नीच है उस नीच की भी सदगति में कोई बाधा नहीं आई और सदगति भी ऐसी कि क्या ठिकाना वो। और फिर एक बात और, ये जो आई सो आई भी बुरी नीयत से विधानसया भगवान को मार देने की नीयत से आई, तो बुरी नीयत से आई और कुल बुरा आचरण बुरा भोजन बुरा ये सब होने पर भी और इसकी सदगति हो गई। क्यों हो गई? स्तनम दत्वाप सदगतम, ये उत्तर दे दिया सुखदेव जी ने ही कि पूतना ने नंद नंदन को स्तन दान किया इसी से सदगति प्राप्त हो गई। और सदगति भी ये पुण्य के फल रूप मिलने वाले स्वर्गाज नहीं, सतानाम भक्तानाम गतिम प्राप्त श्री गोविंदम, ये जो भगवान के चरणों की उपलब्धि है भगवान लोक में जाना ये इसे प्राप्त हो गया। तो ये क्यों हो गया? तो कहते हैं कि भाई किसी प्रकार से भी हो ये भगवान के साथ संपर्क हो जाना चाहिए। इसके मन में तो आया ना कि जरा दूध पिला दें, दूध में जहर मिला जरूर। तो इसलिए भगवान के संपर्क की इच्छा ने ही इसको सदगति प्राप्त करवा दी। तो फिर कहते हैं कि भाई और क्या हुआ? बोले और इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो भगवान के चरण युगल कमल है केवल भक्तों के ध्यान में आते हैं, प्रेमी भक्तों के सिवा भक्तों को भी नहीं मिलते। चरण युगल की सेवा प्रेमी भक्तों के सिवा और भक्तों को भी नहीं मिलती। उनके चरण कहीं बक्षस्थल पर टिक जाए ये तो प्राय होता ही नहीं, असंभव बात। ये तो भक्तों के हृदय नहीं केवल रहते हैं भगवान के चरण कमल पर ध्यान प्रतिष्ठा ध्यान। तो वो जो भगवान के चरण कमल हैं जिनका जिन पर नित्य पार्षदों के सिवा किसी का भी अधिकार नहीं, ब्रह्मा शिव ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले ये सब भी नंद नंदन के चरणों का वंदन करते हैं, सेवाधिकार नहीं प्राप्त करते। तीर्थास्पदम शुभ्रम चिंतम शरण्यम